बीजेपी के बड़बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गाली दी है। दरअसल कुलस्ते किसानों की कर्ज माफी पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों में किसी को पानी तक नहीं पिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंडला के निवास से कांग्रेस विधायक को भी बदमाश बता दिया। दरअसल कुलस्ते मंडला के चकदेही गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही बसनिया क्षेत्र में नर्मदा पर प्रस्तावित बांध का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात। इसी दौरान का उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कांग्रेस को गाली देते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता और निवास के विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफी किया है, जिसका प्रमाण है बीजेपी की शिवराज सरकार ने ही विधानसभा में दिए जवाब में ये माना है। विधायक ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस कमलनाथ जी और मुझे अपशब्द कहे हैं, ये अशोभनीय और निंदनीय है, ये वोटर्स का भी अपमान है। विधायक ने कहा कि इन अपशब्दों को कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और पुतला दहन करेंगे। भैया 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया और इतना। भैया 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया और इतना।